राखी का त्यौहार पूरे देश भर में जिस तरीके से मनाया जाता है हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अब महज कुछ ही घंटे रह गए हैं राखी के त्यौहार को, तो बाज़ारों में भी अब जो चहल पहल है वो बढ़ रही है। पिछले दो सालों से लगातार कोरोना के चलते जो राखी का त्यौहार था वो काफ़ी फीका था, मगर इस बार जो दुकानदार हैं उनमें थोड़ा सा उत्साह है। उनका कहना है कि पहले के मुकाबले इस बार जो राखियाँ हैं उनकी वैरायटी भी ज़्यादा है और लोगों को जो आना है दुकानों पर वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। मगर जिस तरीके की चहल पहल पहले सालों में होती थी वैसा तो नहीं है, मगर ज़रूर कुछ असर इस बार हुआ है। दुकानदारों को उम्मीद है कि ये सीज़न उनका पहले से थोड़ा बेहतर जाएगा और लोग भी जो हैं वो दुकानों में इस समय बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। जो ख़ास समय है राखी खरीदने का वो लोग अक्सर शाम के समय में आते हैं जब इन दुकानों में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। अभी सुबह का वक्त है, लोग थोड़े कम आ रहे हैं, मगर इनका कहना है कि दिन जिस तरीके से आस्ता आस्ता ढलेगा लोगों की तादाद भी दुकानों की तरफ बढ़ती जाएगी। प्रिया क्या खरीदने के लिए आज मार्केट में आए और क्या देखा मार्केट में? राखियाँ खरीदने के लिए आए हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी राखियाँ हैं मार्केट में और बहुत ही अच्छी हैं, और हमने राखियाँ ली हैं और कल राखी है, अब कल का दिन तो बहुत ही शुभ है और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। क्या एक मैसेज रहता है भाइयों का बहनों के लिए और बहनों का भाइयों के लिए? भाइयों का बस प्यार ही है जो चाहिए बहनों को, और बहनों का भाइयों को बस। सोनिया क्या खरीद रही है इस बार बाजार में? राखी है, किस तरह की राखी आपने देखी और क्या बोलना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, बट ये एक्साइटमेंट होती है, एक साल के बाद त्यौहार आता है तो हम ये सारा देखते हैं घूम फिर के पहले अच्छी तरह की कौन सी ये लेंगे अपने भाई के लिए, ये मतलब सारा पहले अच्छी तरह देखेंगे। बाजार भी थोड़ा अच्छा होता है, सजाया होता है, फेस्टिवल सीजन है। अब तो कुछ पसंद आया आपको मार्केट में? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, तभी ये चॉइस ही नहीं बन रही है कि सारा अच्छा ही है कि कौन सी लें कौन सी नहीं। तो पहले के मुकाबले इसका प्राइस कुछ बड़ा है या नॉर्मल है? नहीं, एक्सट्रीम ही है। तो क्या एक मैसेज रहता है इस त्यौहार का, क्या है जो आप कहना चाहेंगे भाइयों के प्रति, बहनों का क्या रहता है? यही है कि भाई बहन का जो बॉन्ड है तो ये मतलब कि एक मतलब राखी के लिए बनाया गया है, तो तभी मतलब ऐसे अगर ये त्यौहार नहीं हो तो पता भी नहीं होता है कि भाई बहन का क्या मतलब प्यार है। तो हम एक राखी के मतलब कि से मतलब इसके उस माध्यम से हम उसको बताते हैं कि हमारा आपके लिए कितना मतलब प्यार है। तो उन भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग, और उन बहनों को भी कि कोई भी किसी की बहन हो तो किस तरीके से आप लोगों को रक्षा करनी चाहिए अपनी बहन के अलावा भी किसी और की भी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी भाइयों को? ये होता है कि जब तक अनमैरिड होता है तब तक इतना पता नहीं होता है, जब मैरिज हो जाती लड़कियों की तो फिर उनको मतलब कि ज़्यादा होता है कि मतलब कि हमारा भाई है, भाई के चाहे हो नहीं है बट लड़कियों को होता है। बहनों भाई इस समय सरहदों पर हैं या दूर हैं, उनको उनकी बहनों को किस तरीके से बोलेंगे आप, वो अपने भाइयों को कैसे हम यही सर है क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि कैसा मतलब कि माहौल, लास्ट ईयर भी ऐसा था हमने कोरोना के, अभी भी ऐसा, हम यही कहते हैं कि भाई हो बहन हो कोई भी रिलेशन है एटलीस्ट अपने से प्यार से रहें। ममता ये किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं बाजार में, आप क्या क्या खरीदने आए हैं और किस तरह की राखी आपको दिख रही है मार्केट में? अच्छी राखी है, राखी लेने आए हैं और मिठाई वगैरह जो भाई खाते हैं। इस बार जो है पहले के मुकाबले वैरायटी ज़्यादा है कि ठीक है नॉर्मल है? ठीक है, नॉर्मल ही है। तो रेट क्या है इस बार, ठीक है कि महंगी है? रेट तो ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल ही है। इस बार कोरोना का डर है आप लोगों को अभी भी? मैं कल आपको बोला था कुछ कुछ लोगों को है, कुछ को नहीं है। अब तो लग रहा है कि अब इस बार जो राखी है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाई जाए? हाँ जी हाँ जी, पिछले साल से ज़्यादा बेटर। आतिश शर्मा, आतिश जी इस बार किस तरीके का आप देख रहे हैं जो राखियों का त्यौहार, अब महज कुछ ही घंटे रह गए हैं, किस तरीके का एंथुसियाज्म है, क्या लोग आ रहे हैं मार्केट? मार्केट में देखा जाए तो लोग इतने आ नहीं रहे हैं, ये तो कोरोना है उसकी वजह से नहीं आ रहे, और आजकल तो जो है कि जैसे लोगों की जॉब छूट गई हुई थी तो उन्होंने अपने घर में राखियाँ लगाई हुई हैं कि उन्होंने अपने घर घर में मोहल्ले में राखियाँ खोल दी हुई हैं, तो काम तो सिटी में है नहीं है, लोग अपने मोहल्लों से ही ले रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि सिटी में रश ज़्यादा होता है, कोरोना वगैरह का डर है, इतना देखने को नहीं मिलता यहाँ। तो पिछले दो साल से लगातार कोरोना की वजह से आप लोग बड़ा सफ़र कर रहे हो, तो क्या इस बार भी उतना ही असर है कि थोड़ा सा फ़र्क है? नहीं, थोड़ा सा फ़र्क तो है, काम में देखा जाए थोड़ी तो तभी आई है, बढ़ावा आया हुआ है, मगर इतना नहीं है जितना देखा जाए। तो वो हमने वैरायटी वगैरह लगाई थी वो थोड़ी बची हुई है इस बार, इतना काम देखने को नहीं मिला। तो अलग अलग वैरायटी इस बार कहाँ से लाई है, क्या लोकल है या बाहर का है? इस बार तो बीच में लोकल का भी बाहर का भी है, जैसे जयपुर की आइटमें आई हुई हैं, इस बार मीनाकारी वाली राखी लाई हुई हैं जो नई आई थी, तो वो तो अभी तो ऐसी बड़ी हुई हैं जो मीनाकारी वाली आई थी,
बाकी स्टोन्स की आइटम आई हुई हैं, नाग वाली हुई हैं, बच्चों के लिए आए हुए हैं, एवेंजर्स वगैरह, कैप्टन अमेरिका। तो क्या प्राइस में तेज़ी आई है कुछ या सेम है? जैसे पेट्रोल का भाव बढ़ता है वैसे तो हमारा भी रेट यहाँ से बढ़ जाता है, लोडिंग का पड़ता है तो ये भी बढ़ा देते हैं पीछे से, तो रेट तो काफ़ी बढ़ा हुआ है।